मेरा नाम तेजस है, मैं मुंबई से हूँ। मेरे कबूतर पहले कैसे भी टाइम देते थे, मानो जैसे 7 घंटा हो गया, 5 घंटा, 3 घंटा। तो फिर मैंने ने इरशाद भाई को पूछा कि भाई कबूतर उड़ाने का तरीका बताइए। तो फिर उन्होंने मुझे कबूतर उड़ाने का तरीका बताया। तो ये मादिन है, 8.5 घंटा मादिन उड़ी है, देख सकते हो भाई मादी कैसी है। और इसका नर है, ये नर 9 घंटे की उड़ान दिया है, 9 घंटा उड़ा है नर। 13 मई को उड़ाया था मैंने, 9 घंटा उड़ा है। और ये मादी 8.5 घंटे उड़ी है। इसके पहले भी मैं जब उड़ाया था तब ये कबूतर 7 घंटे उड़ते थे, 5 घंटे उड़ते थे या फिर 3 घंटे उड़ते थे। तो इरशाद भाई को मैंने जैसे पूछा तो इरशाद भाई ने बताया मुझे उड़ाने का तरीका। सवेरे उड़ाने से पहले 5 ml पानी पिलाने को बोला था। आने के बाद कबूतर को मनुक्का खिलाने को बताया था। पापा उसके बाद में फिर बोले थे कि कबूतर को बादाम खिलाए। पूरा तौर तरीका बताया था किस वक्त दाना देना चाहिए और किस वक्त नहीं। तो जैसे जैसे इरशाद भाई ने मुझे बताया वैसा वैसा मैं करते गया। तो फिर वो मेरे कबूतरों ने 13 मई को 9 घंटे की उड़ान दी भाई। बहुत अच्छा उड़े कबूतर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज मेरे कबूतर 9-9 घंटे उड़ गए ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हो भाई कैसा है कबूतर, देखो ये मेल है, इसने 9 घंटे की उड़ान दी है। और ये फीमेल है, ये फीमेल उड़ी है 8.5 घंटा। देखो भाई बहुत प्यारे कबूतर है। इरशाद भाई जो बताते हैं ना बहुत सही सलाह देते अपने बंदे लोगों को। इरशाद भाई के चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करो, लाइक करो उनको। और इरशाद भाई को दिल से मेरा धन्यवाद है भाई जी कि आप सही अच्छे से गाइडलाइन करते हो। मेरे को कबूतर उड़ाने का सही तरीका पता नहीं था, तो जैसे जैसे मैं इरशाद भाई को पूछते गया तो इरशाद भाई ने मुझे बताया। तो फिर आज मेरे कबूतर 9-9 घंटे उड़ रहे हैं। और जो इरशाद भाई लेके चल रहे हैं घर घर नस्ल, वो मुहिम के साथ हूँ मैं। बहुत बेहतरीन कबूतर है ये। जो पट्ठा है ये मेल, ये मेरे घर का है पट्ठा। और एक कबूतरी है मेरे दोस्त के घर से आई हुई कबूतरी, बहुत अच्छे कबूतर है। भाई ने मुझे बताया था बादाम खिलाने के बारे में, तो मैंने बादाम खिलाए कबूतर को। मुनक्का बोले थे, मुनक्के खिलाए। कबूतर आने के बाद में वो उड़ान देने के बाद में 1/2 घंटे के बाद में भाई ने बताया था मुझे कि एक मुनक्का खिलाने का एक कबूतर को। तो मैंने मेरे कबूतर को एक मुनक्का खिलाया। उसके बाद में फिर मैं मेरे कबूतरों को, दोनों कबूतर को पानी पिलाया। फिर थोड़ी देर वापस बंद किए। फिर और उसके बाद में वापस 5 ml 10 ml पानी पिलाया दोनों को। तो उसके बाद में फिर 1/2 घंटे के बाद फिर दाना खिलाते गया कबूतरों को। तो फिर ऐसे करते करते फिर मेरे कबूतर आज 9-9 घंटे उड़ रहे हैं भाई। इरशाद भाई का दिल से धन्यवाद। देख सकते हो भाई ये कबूतर, देखो ये वो कबूतर है, देखो ये, देखो उसके पंजे, देखो देखो नर की कूटान, देखो कैसे कबूतर की क्वालिटी। बताना भाई मुझे, लाइक करना, कमेंट करना और हमारे इरशाद भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाइयों। ये देखो मादिन, देखो ये देखो भाई मादिन, देखो ये मादिन के पंजे, देखो देखो भाई कैसे कबूतर, देखो देखो भाई कबूतर की क्वालिटी, देखो। मेरा कबूतर का लॉफ्ट बहुत छोटा है क्योंकि मैं चाल में पालता हूँ मेरे कबूतर को। मैं जॉब पे जाता हूँ तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, तो इसके लिए भाई मेरा लॉफ्ट बहुत छोटा है।
और गिने चुने कबूतर रखे हैं, कुछ 7-8 कबूतर रखे, वो भी बहुत अच्छे उड़ते हैं भाई, देख सकते हो भाई कबूतर, देखो आप। ये देखो भाई कबूतर, देखो बहुत बढ़िया कबूतर है। मैंने इसके पहले भी कबूतर उड़ाए थे, लेकिन मेरे कबूतर कुछ खास टाइम नहीं दे पाते थे, पैसे भी टाइम देते थे, टाइम सेट नहीं हो पाता था कबूतरों का। जैसे 5 घंटे उड़ाए, 3 घंटे उड़े, तो इरशाद भाई ने जैसे मुझे गाइडलाइन किया उसी तरीके से मैं कबूतर उड़ाते गया, तो आज मेरे कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे। इरशाद भाई का दिल से धन्यवाद भाई।